हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम शर्मिला है और आज मैं आपको बच्चों के लिए चिकन कबाब बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चे बहुत ही आराम से खा लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं चिकन कबाब। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम चिकन लिया है, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। और इसे हमने पीसना है, तो इसके लिए उसके साथ हम डालेंगे इसमें प्याज। आप देख सकते हैं मैंने एक प्याज लिया है, मैं इसमें इसको पीसूंगी। अगर आपका बच्चा चॉप्ड खा लेता है तो आप इसे चॉप करके डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है एक लहसुन। हम इन सभी को मिक्सी में अच्छे से पीस कर लेंगे। मैंने इसे पीस के ले लिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा पीसा है। इसके अभी हम इसे निकाल लेंगे। अब इसके साथ हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। आप ले लें, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च रहती है एक्स्ट्रा, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बच्चों को कोई नुकसान भी नहीं करता। अब हम डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से नमक डालें। इसके साथ मैंने बहुत थोड़ा सा सोया सॉस लिया है। अगर आपका बच्चा 1.5-2 साल का है तो आप थोड़ा सा सोया सॉस दे सकते हैं। इसके साथ मैंने लिया है पिंच ऑफ जीरा पाउडर। और इसके साथ मैं लूँगी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके बच्चा खाता है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। और यहाँ मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच घी। इससे इसका अंदर से ये बहुत ही मॉइस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा बनता है घी डालने से। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड करना पड़ेगा। तो इससे धनिया का फ्लेवर भी आएगा, दिखेगा भी अच्छा। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर गरम मसाला। इन सभी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे स्टिक। आप देख सकते हैं इस तरीके का मैंने स्टिक लिया है और इसे इस कबाब के शेप में हम इससे कर लेंगे। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप नॉर्मली हाथ से भी इस तरीके से लंबा कबाब का शेप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही थोड़ा सा मसाले में बनाया है, जिससे कि बच्चे को टेस्ट भी आए अच्छा सा और इजी खा भी ले और बहुत ज़्यादा मसाला भी ना हो बच्चे के लिए। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी बना लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सभी को बना लिया है। अब मैं लूँगी एक तवा और उस पर डालूँगी मैं घी। तवा हमारा गर्म था तो मैंने उसके ऊपर डाला है घी। मेरा लोहा का तवा है, आप कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर हम डालेंगे हमारे बनाए हुए कबाब। आप देख रहे हैं हमारा कबाब कितना अच्छा बना है। और इस समय आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर दें और उसके बाद आप लो कर दें। इसे अच्छे से पलटते हुए हमें पकाना है, जब तक हमारा कबाब अच्छा सुनहरा कलर ना हो जाए और अंदर से अच्छे से पक ना जाए। हमें इस तरीके से पलटते हुए इसे बहुत ही अच्छे से पकाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे बहुत ही आराम से खा लेते हैं हाथ में पकड़ के। तो आप आराम से इसे दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है ये। इसी तरीके से आप बनाइए और बच्चों को आप थोड़ा ठंडा करके किसी चटनी के साथ परोस दें और इसका स्टिक आप निकाल दें, वरना बच्चे को नुकसान होने का डर है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मेरी वीडियो का आ जाए।